तो इसलिए बीएसएससी ये स्पष्ट कर दे कि 26-27 नवंबर को पीटी परीक्षा होगी या नहीं, और ये भी बता दीजिए कि कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, क्योंकि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार से बाहर दिल्ली कहीं मुंबई कहीं और रहते हैं अचानक से। इस परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जानी चाहिए, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 1 और सीजीएल 2 में बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी, वे मार्कशीट बाहर ले जाकर रंगा गया, आंसर वायरल था, पेपर लीक था, तो ये घटना फिर से नहीं होनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। इसलिए इन 7 मांगों पे आप गंभीरतापूर्वक विचार करके इन मांगों को लागू कीजिए। अगर इन मांगों को लागू नहीं करते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 3 की पीटी परीक्षा 26 और 27 नवंबर को बीएसएससी के कैलेंडर के अनुसार आयोजित होनी है। बीएसएससी ने सिर्फ एक बार 2 महीने पहले नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 26-27 नवंबर को पीटी परीक्षा होगी, एक कैलेंडर जारी किया गया था इस बहाली से संबंधित। लेकिन उसके बाद बीएसएससी ने कोई भी सूचना कोई भी नोटिस नहीं दिया इस एग्जाम के बारे में। तो बीएसएससी से हम आग्रह कर रहे हैं, बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आप कम से कम एक नोटिस जारी कीजिए कि बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी परीक्षा 26-27 नवंबर को होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। 1-2 हज़ार स्टूडेंट्स इसमें अपियर नहीं हो रहे हैं, 9 लाख स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भरे हैं, और इसमें से हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी पीटी भी दिए हैं, और उसमें से हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको बीपीएससी मेंस भी देना है, और दोनों का सिलेबस अलग अलग है। और 26-27 नवंबर को बीएसएससी सीजीएल 3 की पीटी परीक्षा होनी है, और 1 महीना बाद 67वीं मेंस परीक्षा होनी है बीपीएससी की। तो ऐसे में परीक्षार्थी परेशान है कि वो मेंस की तैयारी करे बीपीएससी मेंस की या सीजीएल 3 के पीटी परीक्षा की तैयारी करे, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। तो इसलिए बीएसएससी ये स्पष्ट कर दे कि 26-27 नवंबर को पीटी परीक्षा होगी या नहीं। अगर आपको लेना है परीक्षा तो आप नोटिस जारी कर दीजिए ताकि परीक्षार्थी उस अनुसार अपनी तैयारी करे, और ये भी बता दीजिए कि कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, क्योंकि हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बिहार से बाहर दिल्ली कहीं मुंबई कहीं और रहते हैं, हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जॉब में हैं उनको छुट्टी लेके आना पड़ेगा, और जो बाहर हैं उनको रिजर्वेशन करा के भी आना पड़ता है। तो इसलिए आप कम से कम 20-25 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड तो आपको दे देना चाहिए ना, 20-25 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आपको दे देना चाहिए ताकि पता चल जाए किसका सेंटर कहाँ है, वो उस अनुसार अपना तैयारी करें, रिजर्वेशन कराए, जैसे जाना हो व्यवस्था करें। लेकिन आप अभी तक ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि 26-27 को पीटी परीक्षा होगी या नहीं। तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप एक नोटिस जारी कर दीजिए जिसमें ये बता दीजिए कि 26-27 नवंबर को पीटी परीक्षा होगी या नहीं, और अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो एडमिट कार्ड जल्द से जल्द आप जारी कीजिए ताकि लोगों परीक्षार्थियों को परेशानी ना हो। और इसके साथ ही इस परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जानी चाहिए, क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 1 और सीजीएल 2 में बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी। सीजीएल 2 का कट ऑफ फाइनल का 150 में निगेटिव मार्किंग नौ 138 गया था, वो मार्कशीट बाहर ले जाकर रंगा गया, आंसर वायरल था, पेपर लीक था, तो ये घटना फिर से नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, किसी तरह से आंसर वायरल ना हो और ओएमआरशीट बाहर ले जाकर न रंगा जाए। इसके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ इस बहाली को पूरा कीजिए, और पारदर्शिता लाने के लिए हम 7 डिमांड आपके सामने रख रहे हैं, बीएसएससी के सामने 7 मांग रख रहे हैं, जिसमें पहला मांग हमारा है ओएमआरशीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति बाद दिया जाए। दूसरा डिमांड हमारा है आंसर की जारी हो और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाए। हमारा तीसरा डिमांड है कि 67वीं बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा की तरह क्वेश्चन बुकलेट पर क्यूआर कोड हो, हर एक पेज पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया जाए। हमारा चौथा डिमांड है सभी सेंटर पर जैमर लगा हो, हर एक रूम में हर एक परीक्षार्थी का वीडियोग्राफी हो और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए, ताकि अगर किसी के बदला में कोई और बैठा हो, स्कॉलर बैठा हो, तो मेंस में वो पकड़ा जाए, अगर मेंस में भी नहीं पकड़ा गया तो जब काउंसलिंग होगा उस समय वो पकड़ा जाए। तो इसलिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस हर परीक्षार्थी का होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। हमारा पांचवा डिमांड है मोबाइल ब्लूटूथ या इस तरह का कोई भी उपकरण किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी के पास एग्जाम हॉल में न रहे, इसकी व्यवस्था बीएसएससी हर सेंटर पर करे। हमारा छठा डिमांड है कि पीटी का सेंटर गृह जिला में न दिया जाए और न ही बहुत दूर दिया जाए, बल्कि पीटी का सेंटर गृह जिला के अगल बगल जिला में दिया जाए, यानी गृह जिला के आसपास में दिया जाए, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तो इस बात का पूरा इंतजाम करे बीएसएससी कि पीटी का सेंटर हर हाल में अभ्यर्थियों के गृह जिला के अगल बगल जिला में दिया जाना चाहिए।
और हमारा सातवां डिमांड है कि स्ट्रांग रूम में जहां ओएमआर सीट आप रखिएगा वहां आप स्मार्ट लॉक लगाइए, सीसीटीवी कैमरा से उसकी निगरानी करवाइए, सीसीटीवी कैमरा से निगरानी करवाइए और उस स्ट्रांग रूम में स्मार्ट लॉक की व्यवस्था कीजिए ताकि ओएमआर सीट बाहर कोई न ले जा सके। बाद में जैसे होता है कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगा जाता है तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्मार्ट लॉक की भी व्यवस्था आप कीजिए। इन सभी सात मांगों पर आप गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए अध्यक्ष महोदय और इन सभी मांगों को आप लागू कीजिए क्योंकि ये बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। जैसा कि पहले CGL1 CGL2 में बड़े पैमाने पर धांधली हुई तो ऐसी धांधली ना हो इसके लिए इन सात मांगों पर आप गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए और इन सात मांगों को आप लागू कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा अध्यक्ष महोदय तो फिर हम लोग आंदोलन करने पर विचार करेंगे। हमें कोई शौक नहीं होता आंदोलन करने का, जब हमें मजबूर किया जाता है तब हम सड़क पे उतरते हैं या आयोग जाकर आंदोलन करते हैं। तो BSSC के अध्यक्ष महोदय ये 9 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, ये बिहार के युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो इसलिए इस बहाली में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, धांधली नहीं होनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। इसलिए इन सात मांगों पे आप गंभीरतापूर्वक विचार करके इन मांगों को लागू कीजिए। अगर इन मांगों को लागू नहीं करते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई अपना जारी रखिए और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तो 26-27 नवंबर को परीक्षा होगी, यही मान के आप तैयारी कीजिए और पारदर्शिता के लिए भी आवाज़ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद।